गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आज अपना नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, प्रॉपर्टीज़ एंड मेथड्स ऑफ बल्की ऑर्गेनिक मैन्योर। प्रॉपर्टीज़ कि अपने जो खाद है उसके क्या क्या प्रॉपर्टीज़ है, तो मतलब एनपीके, फर्स्ट नंबर एनपीके एंड माइक्रोन्यूट्रिएंट कि इसके द्वारा हमें नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास एवं अन्य सूक्ष्म पोषक तत्वों की पूर्ति होती है। सेकेंड नंबर फिजिकल, केमिकल, बायोलॉजिकल प्रॉपर्टी इम्प्रूव ऑफ सोइल, मृदा की भौतिक, रासायनिक और बायोलॉजिकल प्रॉपर्टी में ग्रोथ होती है। थर्ड नंबर अवेबिलिटी ऑफ न्यूट्रिएंट एलिमेंट्स, पोषक तत्वों की उपलब्धता को बढ़ाना। फोर्थ नंबर है फूड ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, सूक्ष्म जीवाणुओं का भोज्य पदार्थ है। नेक्स्ट है कंट्रोल ऑफ फंगस, फंगस को भी कंट्रोल में करता है। नेक्स्ट है बफरिंग कैपेसिटी इंक्रीज, मेन बहुत इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी है ये बफरिंग कैपेसिटी, ये भी इसके द्वारा इंक्रीज होती है। अब अपने प्रॉपर्टीज़ के बारे में तो पढ़ लिया, अब अपने को इसके मेथड्स के बारे में पढ़ना है कि कौन कौन से मेथड्स के द्वारा बनाई जाती है। तो सबसे पहले अपने FYM बनाने का मेथड, जो कि CN आचार्य ने ১৯৫৫ में दिया था, जो इसके नाम से ही जाना जाता है CN आचार्य मेथड। इसके अंदर जैसे कि FYM बनाते हैं अपने, FYM के अंदर अपने को क्या क्या मटेरियल रखना है, जैसे कि पशुओं का अवशिष्ट पदार्थ, मल और मूत्र और उसके फार्म पर बचे हुए भोज्य पदार्थ का जो बचा हुआ मटेरियल होता है उनका मिश्रण ही फार्म यार्ड मैन्योर कहलाता है। ठीक है, उसके बाद उसके अंदर इस प्रोसेस के अंदर सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये आती है सबसे पहले कि जो मूत्र हम पशुओं का लेते हैं उसके अंदर नाइट्रोजन पाई जाती है, जो नाइट्रोजन पाई जाती है जो कि जिसका अमोनिया के रूप में ह्रास होता है, जिसे वोल्टालाइजेशन कहते हैं अपने, तो वो प्रक्रिया इसके अंदर होती है। उसको रोकने के लिए इसके अंदर जिप्सम या सुपरफॉस्फेट डालते हैं अपने। ठीक है, जिप्सम और सुपरफॉस्फेट डालने के बाद उसके अंदर कैल्शियम और सल्फर की मात्रा भी इंक्रीज हो जाती है और वोल्टालाइजेशन की प्रोसेस को रोका जा सकता है। ठीक है, अगर उसके बाद अच्छी फार्म यार्ड मैन्योर बनाने के लिए CN आचार्य ने एक विधि बताई थी जिसके द्वारा अगर हम खाद बनाते हैं तो बहुत अच्छी खाद हमें प्राप्त होती है। तो इसके इसमें CN आचार्य ने बताया था कि हमें एक पिट बनाना है, उस पिट का जो साइज रहेगा इनके अकॉर्डिंग, वो इन्होंने बताया था कि 6.0 से 7.5 मीटर लॉन्ग। ठीक है, 6 से 7.5 मीटर लंबा पीट बनेगा जिसकी चौड़ाई होगी 1.5 से 1.8 मीटर, जिसकी विड्थ होगी 1.5 से 1.8 मीटर और जो कि इसकी डीप डेप्थ होगी 0.90 से 1.0 डेप्थ। एक अपने जैसे कि ये पीट बनाते हैं, ये लंबा 6.0 से 7.5 तो लंबा हो गया, ये चौड़ा है, चौड़ाई इसकी 1.5 से 1.8 मीटर हो गई और ये जो ऊंचाई से डेप्थ है वो इसकी 0.90 से 1.0 होनी चाहिए। ठीक है, ये खड्डा बना लिया उन्होंने। ये खड्डा बनाने के बाद CN आचार्य ने कहा था कि इसके अंदर अपने जो FYM बनाने का जो मटेरियल डालते हैं वो मटेरियल इसके 45 से 60 सेंटीमीटर ऊपर की तरफ मटेरियल को रखते हैं,
60 सेंटीमीटर मटेरियल को ऊपर की तरफ रखते हैं, फिर इसको मिट्टी या गोबर के लेप से ढक दिया जाता है। इसके ऊपर मिट्टी या गोबर के लेप द्वारा लेप कर दिया जाता है, ठीक है। 45 से 60 सेंटीमीटर जो इसमें वेस्ट मटेरियल होगा वो यहाँ तक भरा जाता है इसके अंदर। इसके अंदर 4 से 5 मंथ तक इस मटेरियल को हम रखे रखते हैं। 4 से 5 मंथ के बाद इसके अंदर जो मटेरियल था वो मैन्योर बन के तैयार हो जाता है, और जो मैन्योर बन के तैयार हो जाता है तो उसका हमको विशेष कर ये ध्यान रखना ज़रूरी है कि उस खाद को किस टाइम डालना चाहिए। मैन्योर को, जो मैन्योर तैयार हो जाती है, इस मैन्योर को कम से कम बुआई के 15 दिन पहले हमें खेत में डाल देना चाहिए। आज इतना ही करेंगे। थैंक यू।